सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो आई होप कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आगे भी ऐसे रहेंगे। तो गाइस, कल हमारे गेम के ऊपर ओबी अपडेट आ चुका है। अपडेट के बाद आपको बहुत सारी जो नई गन स्किन्स हैं, बहुत सारे जो नए बंडल्स वगैरह हैं और बहुत सारे जो इवेंट के आइटम वगैरह हैं वो देखने को मिलने वाले हैं, तो उसके बारे में वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इनक्यूबेटर यहाँ पे आने वाला है बहुत ही जल्द, जो कि एंजेलिक थीम के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा बहुत सारे जो इनक्यूबेटर हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों, हमारा जो वेक्टर इनक्यूबेटर है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उसके जो एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं वो क्या रहने वाले हैं, किस तरह का जो लुक वगैरह वो रहने वाला है, वो वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, गरीना वाले ने हमारा जो गोल्ड रॉयल का बंडल है वो चेंज कर दिया। वैसे ये वाला जो बंडल है वो हमारे इंडिया सर्वर के ऊपर आने वाला था, लेकिन अचानक से इन लोगों ने चेंज करके बहुत पुराना जो ओबी अपडेट का बंडल है उसको दे दिया है। गरीना वाले अलग ही लेवल के नशे में है। अभी चल रहा है विंटर इवेंट और गोल्ड रॉयल के ऊपर जो बंडल दिया है वो समर इवेंट का बंडल है, तो भाई क्या ही बोले। बट जो बंडल ये दिया है ये भी ठीक ठाक है, ऐसी वाली बात नहीं है। तो आपको कौन सा बंडल जो है बेटर लगा, अदर सर्वर के गोल्ड रॉयल का या फिर हमारे सर्वर का, कमेंट करके दोस्तों जरूर से जरूर बताना। इसके अलावा दोस्तों, बात करें डायमंड रॉयल के बारे में, तो काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई डायमंड रॉयल क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों, पॉसिबल बंडल निकल के आ चुका है डायमंड रॉयल का। तो कुछ सर्वर के ऊपर ये वाला जो बंडल है वो आने वाला है हमारे डायमंड रॉयल के अंदर। तो ये जो बंडल है वो काफ़ी सही लग रहा है, मतलब इसके जो हेयर वगैरह हैं वो काफ़ी बढ़िया है। तो इंडिया सर्वर के ऊपर भी हाई पॉसिबल चांस है कि आपको यही जो बंडल है वो हमारे यहाँ पे डायमंड रॉयल के ऊपर देखने को मिले। तो अभी इंडिया सर्वर के ऊपर तो डायमंड रॉयल आने में बहुत सारा टाइम है, बट आप मान के चलो कि 80-90% चांस है कि यही वाला जो बंडल है वो डायमंड रॉयल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, वेपन रॉयल अभी यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट करो। यहाँ पे दोस्तों, बात करें इमोट्स के बारे में, तो कल मैंने आपको बहुत सारे जो इमोट वगैरह वो दिखाए हुए थे, लेकिन मैं आपको बता नहीं पाया था कि कौन सा इमोट क्या रहने वाला है। तो जो सबसे फर्स्ट इमोट आप लोग देख रहे हैं, ये जो इमोट है एक रनिंग इमोट रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक रनिंग इमोट रहने वाला है। अब रनिंग इमोट क्या होता है वो आप सभी लोगों को पता ही है। देन दोस्तों, इसके बाद एक किटी वाला इमोट है। तो किटी वाला जो इमोट है वो तो एक नॉर्मल इमोट रहने वाला है, इसके अंदर कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। इसके बाद दोस्तों, हमारा जो थर्ड इमोट है इसकी खास बात है, ग्रुप इमोट। ये जो थर्ड इमोट है एक ग्रुप इमोट रहने वाला है, यानी कि आप इसको अपने फ्रेंड के साथ जो है इन्जॉय कर पाओगे और लॉबी वगैरह में आप सबके साथ इसको जो है यहाँ पर शो कर पाओगे। इसके बाद जो अगला इवेंट है या फिर जो अगला इमोट है वो रहने वाला है यहाँ पर हमारा नॉर्मल इमोट, जो कि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज की थीम पर बेस्ड है। देन दोस्तों, आपको एक और वर्ल्ड सीरीज के ऊपर इमोट देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो इमोट है ये भी एक नॉर्मल इमोट रहने वाला है। देन दोस्तों, आपको एक चिकन इमोट देखने को मिलेगा। तो ये जो चिकन इमोट है ये भी एक नॉर्मल सा इमोट है, और इसमें एक हार्ट वाला यहाँ पे इफेक्ट वगैरह भी आ रहा है बैकग्राउंड में, आप लोग देख सकते हैं। देन दोस्तों, आपको एक डांस वाला इमोट देखने को मिलता है। डांस वाला जो इमोट है वो भी नॉर्मल इमोट है। इसके बाद दोस्तों, विंटर थीम के ऊपर एक इमोट आने वाला है। तो ये वाला जो इमोट है ये भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, इसमें जो इफेक्ट वगैरह दिया गया है, और ये भी एक नॉर्मल इमोट है। देन दोस्तों, फिर से आपको एक ग्रुप इमोट देखने को मिलेगा। तो जैसे अपना रॉक पेपर सीजर वाला एक इमोट है, उसी की टाइप का एक इमोट आने वाला है ये, जो कि ग्रुप इमोट रहेगा, और इसमें अलग अलग टाइप के जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। देन दोस्तों, लास्ट का जो इमोट है वो हाइपर बुक का इमोट रहने वाला है, और ये आपको हाइपर बुक के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अब हाइपर बुक की बात आ ही गई है, तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे बीडी सर्वर के ऊपर हाइपर बुक का जो टॉपअप इवेंट है वो दे दिया गया है। तो सेम यही टॉपअप इवेंट है आपको इंडिया सर्वर के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपअप रहेगा। तो आपको हाइपर बुक को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टॉप अप करना पड़ेगा। तो जैसे आप टॉप अप करोगे तो आपको हाइपर बुक जो है मिल जाएगी, और हाइपर बुक जैसे ही मिल जाएगी उसके बाद आपने डायमंड लगाने हैं, और डायमंड लगाने के बाद जो हमारे हाइपर बुक के पन्ने हैं, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, वो यहाँ पे ओपन करने हैं। और कौन से पेज के ऊपर क्या रिवार्ड रह रहा है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा बैकपैक हो गया, इमोट हो गया, यहाँ पे ग्लू वॉल स्किन वगैरह होगी, तो ये हमारे हर पेज के रिवार्ड रहने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉप इवेंट है वो हाइपर बुक के ऊपर बेस्ड रहेगा। आपको हाइपर बुक का जो टॉप अप इवेंट है हमारे इंडिया सर्वर में देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी हमारी ईवो फिस्ट के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे डिटेल वगैरह दी है। तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जाके देख लेना। बाकी ईवो फिस्ट के बारे में मैंने वहाँ पर बता रखा है, थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। कुछ इस तरह की जो ईवो फिस्ट की स्किन है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको हिट इफेक्ट देखने को मिलता है, रन इफेक्ट देखने को मिलता है, इमोट हमारा देखने को मिलता है, लेवल 5 तक आपको ये देखने को मिल जाती है। तो ये जो ईवो फिस्ट की स्किन है ये आपको फेड व्हील में देखने को मिलेगी। 1000 डायमंड में आपने इसको निकालना है। देन उसके बाद आपने बहुत सारे जो टोकन वगैरह हैं वो यहाँ पे लेने हैं, और उसके बाद अपनी जो ईवो फिस्ट है उसको अपग्रेड आप लोग कर पाओगे। तो क्या आप लोग ईवो फिस्ट को लेने वाले हो या फिर नहीं, मेरे हिसाब से तो उतना यहाँ पे कोई खास मुझे लगा नहीं है, क्योंकि देखो फिस्ट का उतना कोई काम होता नहीं है। आप अगर किसी भी बंदे को मारोगे या फिर कहीं पर भी फाइट वगैरह करोगे तो गन से ही करोगे, फिस्ट से कोई फाइट नहीं करेगा। तो किल इफेक्ट देने का कोई मतलब नहीं है भाई, सही सी बात है। तो बहुत ही कम यूज होता है, बट आपकी मर्जी है, आप लेना चाहो तो ठीक है, नहीं लेना चाहो तो ठीक है भाई, क्या ही बोलूँ। लेकिन आप लोग कमेंट करके बता देना जो भी सीन यहाँ पर रहेगा। बाकी दोस्तों, कल वाली वीडियो भी जो है एक बार चेकआउट कर लेना। और कुछ नोटिफिकेशन वगैरह प्रॉब्लम हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, तो एक बार अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके एक बार जो है आप दोबारा से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी हम बात करते हैं हमारे कुछ और इवेंट्स के बारे में। तो गाइस, थॉमसन के बाद अपना जो नेक्स्ट इनक्यूबेटर आने
आने वाला है उसका नाम है सिंथेटिक एंजल। जी हाँ दोस्तों, सिंथेटिक एंजल का जो इनक्यूबेटर है वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह का जो इनक्यूबेटर है वो रहने वाला है। इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल पापा का परा वाला बंडल है भाई, क्या ही बोले। तो फर्स्ट जो बंडल है वो है यहाँ पे हमारा हेवन किंग बंडल। तो कुछ इस तरह का ये बंडल रहने वाला है, बिल्कुल गोल्डन कलर में है। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, मतलब जो इसका यहाँ पे गोल्डन कलर है वो काफ़ी सही लग रहा है। और हेयर वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है, बट इसका जो यहाँ पे अपर पार्ट है उसमें पंख वगैरह बना रखे हैं तो उतना खास नहीं है, क्योंकि खेलने में बड़ी दिक्कत आती है। एंड देन इसका जो यहाँ पे फीमेल वर्जन है वो भी आप लोग देख सकते हैं। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे हमारा वॉलेट वाला जो बंडल है देखने को मिलता है, जिसका नाम है फॉलन हेवन किंग बंडल। तो ये जो फॉलन हेवन किंग बंडल है इसका भी कलर कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो ये अपने जो है यहाँ पे कुछ इनक्यूबेटर के बंडल हैं। लास्ट में जो बंडल आता है वो है अपना इनोसेंस हेवन। तो ये अपना जो है एक ब्लूप्रिंट वाला बंडल है, जो कि आप एक ब्लूप्रिंट में एक्सचेंज कर पाओगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे वाउचर बचे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वाउचर बचा के रख लो, ये अपना जो है नेक्स्ट इनक्यूबेटर रहने वाला है। इसके बाद आपको एक और इनक्यूबेटर देखने को मिलेगा, जो कि अपना वेक्टर इनक्यूबेटर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बंडल के बाद आने वाला है सेम थीम के ऊपर वेक्टर इनक्यूबेटर। तो पहली जो गन स्किन है वो है अपनी यहाँ पे ड्रैगन टेल, जो यहाँ पे येलो कलर की स्किन है, जो कि आप देख सकते हैं भाई काफ़ी तगड़ा इफेक्ट यहाँ पे दिया गया है इसके अंदर। और इसके अंदर जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं थोड़े गलत यहाँ पे बने हुए हैं, तो एट्रीब्यूट्स में आप ध्यान मत देना, एट्रीब्यूट्स थोड़े यहाँ पे अलग है। एंड देन दोस्तों इसका जो इफेक्ट वगैरह है या फिर इसका जो एनिमेशन है वो आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे पंख वंख आ रहे हैं भाई, मतलब काफ़ी सही लग रहा है। और MP5 के टाइप की थोड़ी ये लग रही है, मतलब यहाँ पे अगर इसके लुक की वैसे बात करी जाए तो ये अपना जो है फर्स्ट गन स्किन रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो अपनी सेकंड गन स्किन है वो है यहाँ पे रिवेंज ड्रैगन टेल। तो इसके अंदर आपको डबल डैमेज देखने को मिलता है, सिंगल रिलोड स्पीड देखने को मिलती है, एक्यूरेसी जो है यहाँ पे माइनस है। तो इसका भी जो कलर वाला है वो काफ़ी सही लग रहा है। देन दोस्तों जो तीसरी स्क्रीन है वो है यहाँ पे रॉयल ड्रैगन टेल, और इसके अंदर आपको सिंगल रेट ऑफ फायर देखने को मिलता है, डबल एक्यूरेसी देखने को मिलती है। तो ये वाली स्क्रीन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल एक्यूरेसी देखने को मिलती है। देन जो लास्ट स्क्रीन है इसके अंदर आपको डबल रेंज देखने को मिलती है, माइनस सिंगल आर्म पेनिट्रेशन देखने को मिलता है। तो ये अपनी दोस्तों चार स्क्रीन रहने वाली है, ये ड्रैगन टेल की थीम के ऊपर बेस्ड है। जिस थीम के ऊपर हमारा एंजेलिक इनक्यूबेटर आने वाला है उसी थीम के ऊपर ये हमारे यहाँ पे एंजेलिक वेक्टर की जो स्किन है या फिर जो इनक्यूबेटर है वो देखने को मिलेगा। तो अपना जो बंडल इनक्यूबेटर है वो नवंबर मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ही थॉमसन का खत्म होता है उसके जस्ट अगले ही दिन। और बाकी जो वेक्टर इनक्यूबेटर है ये आपको दिसंबर मंथ में देखने को मिलेगा। तो ये रहे दोस्तों अपने अपकमिंग दो इनक्यूबेटर, जो कि 1000% कन्फर्म है, ये सभी सर्वर के ऊपर आने वाला है, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हमारा अमेरिका हो। तो अब बात करते हैं रिटर्न इनक्यूबेटर के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों आपको पता ही है कि हमारे बहुत सारे सर्वर के ऊपर जो 3-in-1 इनक्यूबेटर है वो आ रहे हैं, तो इंडिया सर्वर के ऊपर भी काफ़ी टाइम से चांस है कि अपना रिटर्न इनक्यूबेटर अपने को देखने को मिलेगा। बट अभी तक दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कौन सी डेट के ऊपर आने वाला है। तो पॉसिबल डेट वगैरह जो है वो मैंने आपको बता दी है कि पॉसिबल डेट यही रहने वाली है कि अपना जैसे ही थॉमसन का खत्म होने वाला रहेगा उससे 2-4 दिन पहले, 5-6 दिन पहले आपको देखने को मिल सकता है। अभी मैं कंफर्म वगैरह तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इसकी कोई भी डेट वगैरह कंफर्म नहीं है। तो अगर रिटर्न में आएगा तो कौन कौन सा आएगा, रिटर्न के अंदर अगर आता है तो आपको गोल्डन सेट देखने को मिल सकता है, हमारा यहाँ पे क्लॉन वाला देखने को मिल सकता है। बाकी अगर बात करें पोकर MP40 वगैरह की, तो पोकर MP40 का जो इनक्यूबेटर है वो दिसंबर मंथ के बाद आने वाला है, अभी नहीं आएगा, दिसंबर मंथ तक आपको वेट करना पड़ेगा। और सेम वही सीन जो है हमारा AN94 के ऊपर भी है, मतलब AN94 का जो इनक्यूबेटर है वो भी आपको हमारा दिसंबर मंथ के बाद ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी बंडल के इनक्यूबेटर वगैरह आप लोग पूछ रहे थे, तो सबके बारे में पता पाना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, जो अपने पॉसिबल रिटर्न इनक्यूबेटर है वो अपना गोल्डन सेड हो गया, क्लाउन वाला हो गया, और अपने यहाँ पे ग्रेफिटी वाला हो गया, ये कुछ यहाँ पे पॉसिबल इनक्यूबेटर रहने वाले हैं। तो अभी दोस्तों वीडियो में इतना ही, ये रहे हमारे सारे के सारे नेक्स्ट इनक्यूबेटर।